थैंक यू, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आयशा आपने देखा नहीं, आज मैंने अपना अच्छा वाला कोट निकाला है, तैयार होके आया हूँ। आई लव इट, है ना, अच्छा लग रहा हूँ मैं। यानी वैसे तैयार नहीं होते, वैसे भी होता हूँ, लेकिन आज और अच्छा वाला निकाला है ना। मैं रेड कार्पेट रेडी होके जाऊंगा आज। वेरी स्मार्ट, तालियां होनी चाहिए भाई, मेरी तारीफ कर रही है आयशा। आप लोग से खुशी हजम नहीं होगी मेरी, क्या करें। अच्छा आयशा, ब्रेक में ना बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला आज आयशा आई है तो हम भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा जी, बताएं। ऑब्वियसली जब उन्होंने सारी जर्नी सुनी, उनको तो यही लग रहा था कि भाई आयशा के लिए तो कुछ मुश्किल हुआ ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो बड़ा इंप्रेस्ड है। तो अगर आप इजाजत दें तो एक दो सवाल हम ले लें ऑडियंस। बिल्कुल, हाँ भाई, कौन सवाल पूछना चाहते, आप पूछना चाहते हैं, आ जाओ यहाँ, आ जाओ होस्ट की कुर्सी पे बैठ के, मुझे मौका मिला आयशा के पास बैठने का। फ्रेम अच्छा बनाना है, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छी है हमारी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमेर है, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने आपको कराची से लाहौर मूवी में पंजाबी बोलते हुए देखा है, अब आप हसन को पंजाबी में डांट के दिखाएं। ये कैसा सवाल ले गया, बजाय ये कहने के कि आप इतनी अच्छी सिंगर हैं, आप डांटूं, कुछ गा के सुनाए हसन के लिए, तुम डांटने की तुम बात कर रहे हो। तो मुझे पंजाबी आती नहीं है, मुझे कोई बताए तो मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग। तो इतना अर्सा जो आप लाहौर में रही हैं, आपने कभी पिक नहीं किया? I mean, I can understand it and I can copy it, but I don't know how to structure it. ठीक है, वो आपका कैमरा है सामने, आपने उसमें कैमरे में, you don't, इतना ज़्यादा आपको अभी मैंने कैरेक्टर किया एक फिल्म में, जो फिल्म बस आने वाली है बहुत जल्द, उसका नाम है टकसाली गेट। और उसमें आपने देखी भी, आपने तालियां बजाई। अच्छा, वैसे ही आपने एक्साइटमेंट में। और उसमें मैंने पंजाबी बोली है ना, पंजाबी और उर्दू पूरी फिल्म में मेरे कैरेक्टर ने, और बहुत आला है। तो वो सामने जो आपका कैमरा है, उसमें आपने सिर्फ आंखों में आंखें डाल के लोगों की ये कह रहे हैं कि ए हसन बहुत ही सोना मुंडा है। अच्छा, बहुत नहीं होता, पंजाबी में क्या बोलते हैं, बोता सोना मुंडा, बोता बोता तो नहीं होता, बहुत ही सोना मुंडा है। हाँ, किस कैमरे में देखना है, वहाँ वो सामने वाला। अच्छा, राइट वाला। ए हसन बहुत ही सोना मुंडा है। ओह शाबाश, छा गए तुम, चलो थैंक यू तुम्हें। अच्छा तुमने और कोई है सवाल पूछना? आप हैं, आपने तो माइक उठाया हुआ है, प्लीज। हाँ, आप भी पूछने लगे हाथों। यस, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम समीर है। मेरा मैम आपसे एक क्वेश्चन है, आप जो सिंगिंग करती हैं, आपका पैशन है एक्टिंग के बाद करियर बैकअप है आपका? एक्टिंग के बाद करियर बैकअप, करियर बैकअप? नहीं, बैकअप तो नहीं है, मेरा पैशन है। मैं बचपन से, मुझे गाने का शौक है। अच्छा, मैं स्कूल में भी गाती थी, कॉलेज बैंड में भी थी, और मैंने सीखा था क्लासिकल जब मैं स्कूल में थी। तो बस ऐसे ही मज़े में गाते हैं। लेकिन इस साल 2024 में मैंने ज़्यादा गाना गाना है। वो तुम्हारे साथ माइक पड़ा है, वो साथ माइक पड़ा है। आयशा जी से रिक्वेस्ट करो कि अब वो जब बात कर रही हैं 2024 में, उन्होंने ज़्यादा गाना है, तो माइक पकड़ाओ आयशा जी को, होस्ट बनो अच्छे। शाबाश, अब तुम बैठो वापस जाके वहाँ पे। थैंक यू, तुमने अच्छा सवाल किया, मैं वापस जाता हूँ। ये प्लांटेड क्वेश्चन था ना? नहीं, ताकि आप बोले कि आप गाएं। नहीं नहीं, दो लाइनें अब हो ही जाएं फिर। एक तो मुझे बहुत बुरा फ्लू, मुझे पता है, लेकिन आपकी आवाज, यकीन करें, फ्लू में भी बहुत अच्छी साउंड। जी नहीं, आई साउंड लाइक अ मैन, नॉट एट ऑल। अच्छा, दो लाइनें, कोई सी भी दो लाइनें प्लीज। ओके, चलो वही गाते हैं जो 8 साल की उम्र में सबसे पहले। अरे बस, जबरदस्त। ओके, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबाब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है, बोल के लब आजाद है तेरे। बस, अरे ये अगर आपने फ्लू में इतना अच्छा गाया है, तो वी कैन ओनली इमेजिन के फ्लू ना हो तो आप कितना अच्छा गाती हैं। बहुत मजा आया। बाकी भी आपके जो सवाल हैं थोड़ी देर में लेते हैं, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट है जो हमने अब
शुरू कर रहे हैं। उसका एक साइकोलॉजिस्ट भी तो है शो में, उनको भी बुलाते हैं, एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रो फिजिक्स, एस्ट्रो क्या है वो, एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रो फिजिसिस्ट भी कहते हैं वो अपने आप को, सब कुछ है वो, क्वांटम फिजिसिस्ट होंगे ना, क्वांटम फिजिसिस्ट सब है वो, क्योंकि वो बाजी है और उनको वो सब जानती हैं। बाजी के लिए तालियां भैया, अभी आपकी बाजी से भी मुलाकात कराते हैं। लेकिन हमारा जो अगला सेगमेंट है आयशा, इसका नाम है नकल के लिए अकल। अच्छा, इसमें होता ही है कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, हम उन्हें एक सिचुएशन देते हैं। लोग कहते हैं भाई टॉक शो पे आगे आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं खाम खा की। हाँ। तो मैं बोला हम एक्टर्स को बुलाएंगे और एक्टर से वो काम कराएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो है एक्टिंग। अच्छा, हम आपको एक सिचुएशन देंगे। अच्छा। आपने वो सिचुएशन इनएक्ट करनी है और उसमें आपका पार्टनर हूंगा मैं। अच्छा। आपके साथ। ओके। सो नया साल शुरू हो गया। ओके। और मैंने कहा थोड़ा सा कोई मजे की सिचुएशन हो ना, मैं अपना शौक भी पूरा। ऑब्वियसली आप मेरे या बॉयफ्रेंड बने हुए हैं। नहीं, मैं बॉयफ्रेंड अभी बनूंगा नहीं। बॉयफ्रेंड आपने मुझे बनाना भाई, यू हैव अ क्रश ऑन मी। मैं आपको फंसाने आई हूं। मुझे आपने आपने नए साल की शुरुआत में अपने प्यार का इजहार करना है मेरे से। यार भाई तालियां इस सिचुएशन पे जिसने भी सोची है, अल्लाह की कसम मैंने नहीं सोची। आई कैन प्रॉमिस यू दैट किसी और। आई हैव अ क्रश ऑन यू। हां, यू हैव अ क्रश ऑन मी। और हम कहां मिले, पार्टी पे? नहीं, न्यू ईयर्स पार्टी। न्यू ईयर पार्टी पे मिले। अभी अभी 12 बजे। अभी अभी 12 बजे बजने वाले हैं। बजने वाले हैं और 12 बजे, और मैं अपने मस्ती में हूं और मैं और शायद लड़कियों के साथ परफॉर्म कर रहा हूं या डांस कर रहा हूं और मैं बैठ गया हूं अब थक के। ओह, एंड आई हैव अ क्रश ऑन यू। या यू हैव अ क्रश ऑन मी। बट अब मैं ज्यादा भी ईगर नहीं। ये इसी से तो आपकी एक्टिंग पता चलेगी। अच्छा, आज तो बहुत ही लड़कियों से मिल लिया मैं यार। सब मेरा नंबर मांगनी थी। उफ, मेरा क्रश खत्म हो गया। ये मैंने लिया थोड़ी, ये मैंने सुन लिया, मैंने दिया थोड़ी किसी को। कोई लड़का इस तरह बात करेगा, क्रश नहीं खत्म। एक लड़की है हसीन जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, काश वो मुझसे बात। या बोल रहे हैं आप, सोच रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, हो गई शुरू सिचुएशन। अच्छा, मैं बैठा हूं। ओके, सो यू आर सिटिंग? या आई एम सिटिंग। यू आर सिटिंग, यू साउंड रियली बोर्ड मैन। अच्छा, खड़े हो जाओ। किस? अच्छा, मैं ठीक है, मैं खड़ा हो गया। हम न्यू ईयर पार्टी में, ये पीछे वाले भी यहां तो ऊपर। ओ ओ, बहुत मजा आ रहा है। हाय हसन। या हाय, हाउ आर यू डूइंग? अलीना? नो, आयशा। आयशा, आयशा, आयशा। हां, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर इफ यू डोंट नो माय नेम। No.